उत्तर प्रदेश में विकलांगों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा ज़िला है, लेकिन विकलांगों के लिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। विश्व विकलांग दिवस जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के स्तर पर, लेकिन यहाँ पर विकलांगों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मैं 80% विकलांग हूँ, मैं नखलाऊ का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी भी 40% विकलांग है, 2 लड़कियाँ मेरी हैं और मेरी विधवा माँ है और मेरी वाइफ जो है बीए पास हैं। कितनी मैंने परेशानियों से, कितनी दिक्कतों से उनके फॉर्म भरे हैं और उसका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि कोई नौकरी नहीं मिली। और मेरे पूरे घर की जिम्मेदारी, 80% विकलांग होते हुए भी मैं पूरा अपने घर का जिम्मा है मेरे ऊपर। और मुझे गवर्नमेंट जो बस देती है तो वह 300 रुपये महीना, और दिल्ली की गवर्नमेंट जो है 1500 रुपये महीना विकलांगों को देती है। तो क्या वो विकलांग है? क्या हम लोग विकलांग नहीं हैं? विकलांग हम लोग को नहीं समझते कि यूपी की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। 1000 रुपये महीना अच्छे भलेओं को दे रही है गवर्नमेंट और विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये महीना, कौन सा इंसाफ है? हम कहते हैं हमें 300 रुपये महीना भी नहीं दे, हमें रोज़गार दे दे, मेरी वाइफ को रोज़गार दे दे, हमें नहीं भीख चाहिए 300 रुपये महीना। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में विकलांगों के लिए काफ़ी योजनाएं चल रही हैं, आपने उस किसी पे आवेदन किया? हमने आवेदन इससे पहले भी किया था, कुछ नहीं हुआ उसका। किस विभाग में किया? मैंने डूडा में एक मकान के मिलते थे, जिला विकलांग कल्याण विभाग में। ये बिल्कुल बेकार है, कोई बात नहीं करता सही से। कोई अगर 10,000 का लोन मैंने अप्लाई किया था तो आज मुझे 2 साल हो गए, पूरे 2 साल 10,000 रुपये के एक लोन के चक्कर में 2 साल दौड़ते भागते हो गए, मगर कोई रिस्पॉन्स उसका नहीं मिला। यही है, अभी बजट नहीं आया, बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। जिला विकलांग कल्याण अधिकारी श्री अखिलेश वाजपेयी, जिनका नंबर है 9415023874, इस पर कॉल करके आप लोग दबाव बनाएं ताकि जितने भी उत्तर प्रदेश के विकलांग हैं सभी की समस्याओं का समाधान हो सके। मैं मोहम्मद वसीम, उत्तर प्रदेश विधानसभा जिला लखनऊ से, इंडिया अनहट के लिए।